बता रहा हूं, द एम्परर ऑफ द आगरा वाज द फेमस नॉट ओनली फॉर द बेबी बट आल्सो फॉर द जेनरोसिटी। तो जब एम्परर है, आगरा के एम्परर है, वो केवल अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो अपनी जेनरोसिटी मतलब दयालुता के काम में क्या है प्रसिद्ध है। आज के हमने आज की क्लास में एक स्टोरी का पढ़ेंगे। स्टोरी है हमारी द किंगडम ऑफ द ब्लाइंड, ठीक है, द किंगडम ऑफ ब्लाइंड। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, तो किंगडम ऑफ द ब्लाइंड किंगडम। अब यहाँ पढ़ेंगे किंग और डम, किंगडम ऑफ किंगडम इज द साम्राज्य ऑफ द ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधो, ठीक है, अंधों के साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो अंधों का साम्राज्य है वो कितना है, क्या है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और इस स्टोरी में हम न्यू वर्ड्स को पढ़ेंगे, उनके हिंदी समझेंगे, जैसे आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है द द एम्परर, अब यहाँ पर एम अपरर एम्परर ऑफ आगरा, अब यहाँ पर ए देखेंगे, ए कैपिटल में लिखा है, बाकी स्मॉल में है, ई है, तो यहाँ पे जो कॉमन नाउन होते हैं उसको हम क्या है कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, या किसी प्लेस का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नेम आ जाता है या सरनेम आ जाता है, उसको हम फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। वाज फेमस नॉट ओनली फॉर ब्रेव बट ऑल्सो फॉर सिटी। अब आप इसको पढ़ोगे जेन जेन रो, ठीक है, जेन और रो, जेन रो सिटी। वंस ही डिसाइडेड टू डोनेट सम मनी अमोंग ऑल ब्लाइंड पीपल लिविंग इन हिज किंगडम सिंस ही डिडंट, इसको पढ़ते हैं डिडंट, और इसको हम बोलते हैं डिड नॉट, क्या बोलते हैं, डिड नॉट वॉन्ट एनीबडी टू बी लेफ्ट आउट, सो ही ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज कोर। अब इसको पहली क्लास में बताया तुमको कॉर टीयर्स, क्या पढ़ेंगे इसको कॉर और टीयर्स, कॉर टीयर्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ब्लाइंड पीपल एंड द लिस्ट बाज इन द एंड टू बी चेक्ड। अब चे ऑफर्ड चेक्ड वाई बीरबल द कोर्टियर फिनिश्ड मेकिंग द लिस्ट इन टू डेज देन ही हैंडेड इट ओवर टू बीरबल एंड अकबर आस्क्ड हिम टू मेक अरेंजमेंट। इसको देखिए अरेन अरेंज अरेंजमेंट क्या हो गया अरेंजमेंट फॉर डोनेशन बीर वो फी फोर एनी अरेंजमेंट कुड बी मेड बीरबल सेड योर मजेस्टी आई एम टू फोर माँ एक है मैं और जे और टी मजेस्टी आई थिंक डेट देर इज अ फॉल्ट एफ ए फॉला फॉल्ट इन द लिस्ट देर आर मोर ब्लाइंड पीपल इन द किंगडम देन इट इज लिस्टेड इन फैक्ट देर आर मोर ब्लाइंड पीपल देन नॉर्मल साइटेड पीपल द एम्परर वाज टेकन अबैक बाय बीरबल्स क्लेम अकबर asked him to probe his point and make a new list. तो इस तरीके से हमने इस इंग्लिश को पढ़ा कि इंग्लिश हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम वो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर है द एम्परर, एम्परर मीन्स होता है राजा, ठीक है, या जो आपका महाराजा होते हैं, ठीक है, राजा हो गए। तो द एम्परर ऑफ द आगरा वाज फेमस नॉट ऑन आगरा बाज फेमस नॉट ओनली फॉर ब्रेव बट ऑल्सो फॉर जेनरोसिटी। अब द एम्परर मतलब महाराजा हो गए ऑफ द आगरा, आगरा के जो राजा या महाराजा थे बाज फेमस थे, नॉट ओनली केवल फेमस नहीं थे फॉर ब्रेव बहादुरी के लिए। ब्रेव का मतलब बेबी का मतलब होता है बहादुर,
जो वहाँ के एम्परर थे आगरा के, ये केवल बहादुरी ब्रेवरी के लिए ही प्रसिद्ध, फेमस का मतलब प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध नहीं थे बट लेकिन ऑल्सो फॉर जनरोसिटी, जनरोसिटी का मतलब होता है दयालुता, ठीक है, दयालु होना, ठीक है। तो अपनी दयालुता के कारण जो लोगों को दयालु, जो इतना दयालु थे कि लोगों को दान दिया करते थे, इस कारण से भी वो क्या थे, फेमस थे, ठीक है। वन सी डिसाइड मतलब एक बार उन्होंने डिसाइड किया था टू डोनेट, डोनेट का मतलब होता है किसी को देना कुछ भी, सम मतलब कुछ मनी मतलब रुपया जो भी है, मनी अमॉन्ग ऑल ब्लाइंड पीपल लिविंग इन हिज किंगडम। तो वन ही डिसाइड, एक बार उन्होंने डिसाइड किया था डोनेट मतलब देने के लिए सम मनी कुछ रुपयों को, अमाउंग, अब अमाउंग का मतलब होता है जब हम दो लोगों से ज़्यादा जो किसी चीज़ को बांटते हैं, ठीक है, वहाँ पर अमाउंग आ जाते हैं प्रत्येक को। ऑल ब्लाइंड, सभी जितने अंधे थे, पीपल लिविंग इन हिज किंगडम, इसका मतलब उनके तो जो भी जितने भी ऑल अपने ऑल लिविंग इन हिज किंगडम, तो जितने भी ऑल ब्लाइंड उनके किंगडम में रहते थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि सबको वो कुछ क्या है, मनी देंगे, ठीक है। सिंस ही डिडेंट वॉन्ट एनीबडी टू बी लेफ्ट आउट, सो ही ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज कोर्टियर्स, सिंस ही डिडेंट वॉन्ट, वह नहीं चाहते थे एनीबडी, कोई भी टू बी लेफ्ट आउट, कोई भी छूट जाए, सो ही ऑर्डर, इसीलिए उन्होंने ऑर्डर दिया वन ऑफ हिज कोर्टियर, कोर्टियर का मतलब दरबारी, तो उन्होंने अपने दरबारी में से वन ऑफ हिज, अपने कोर्टियर में से एक को ये ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर दिया टू मेक मतलब बनाने के लिए, अ लिस्ट मतलब एक सूची, लिस्ट बनाने के लिए ऑफ ऑल ब्लाइंड, सभी अंधों पीपल, ब्लाइंड पीपल मतलब सभी अंधे व्यक्तियों की लिस्ट बनाने के लिए महाराज ने कहा। एंड द लिस्ट, और जो सूची थी, बाज इन द एंड, और जो सूची थी वो एंड होने वाली थी, टू बी चेक्ड, तो एंड होने के बाद में, ख़त्म होने के बाद में सूची, टू बी चेक्ड बाय वाई बीरबल, तो बीरबल के द्वारा उस सूची को चेक किया जाना था, ठीक है। द कोर्टियर, जो दरबारी था, फिनिश्ड मेकिंग, उन्होंने जो फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया कोर्टियर ने, मेकिंग द लिस्ट, लिस्ट को बनाकर इन टू डेज, तो जो कोर्टियर था उसने लिस्ट को बनाकर दो दिन में, टू डेज में क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। देन ही हैंडेड इट ओवर, हैंडेड इट ओवर का मतलब होता है कोई भी चीज़ है आप अपने हाथ से किसी दूसरे व्यक्ति को दे दो, उसके हाथों में, तो हम बोलते हैं ही हैंडेड इट ओवर, और उसने जो कोर्टियर ने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट को उसने ओवर, हैंडेड इट ओवर टू बीरबल, बीरबल के हाथों में इसने हैंड ओवर कर दी। एंड अकबर, और अकबर आस्क्ड, और अकबर से पूछा, हिम टू मेक अरेंजमेंट, और अकबर, अकबर ने कहा कि जो है अरेंजमेंट का मतलब होते हैं जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएं, फॉर डोनेशन, डोनेशन दान के, दान देने के लिए अरेंजमेंट को बनाया जाए, ये व्यवस्थाएं की जाएं। बिफोर का मतलब पहले, एनी अरेंजमेंट, तो एनी अरेंजमेंट कुड बी मेड, तो किसी भी प्रकार के अरेंजमेंट को बनाने से पहले या करने से पहले, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज, ठीक है, योर मजेस्टी, आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ, डैट देयर इज अ फॉल्ट, ये जो लिस्ट बनी है, इन द लिस्ट, इस लिस्ट में क्या है, फॉल्ट है, फॉल्ट का मतलब कमी है, तो आई थिंक दैट देयर इज अ फॉल्ट इन दिस लिस्ट, मैं सोच रहा हूँ कि इस लिस्ट में क्या है, कोई कमी है। देयर आर मोर ब्लाइंड पीपल इन द किंगडम, तो देर, अब यहाँ से देखिए, देर आर मोर का मतलब अधिक, ब्लाइंड पीपल अंधे लोग इन द किंगडम, तो देर आर इसमें से ज़्यादा, देन इट इज द लिस्टेड, देन इट इज लिस्टेड, इस लिस्ट में जितने भी व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा क्या हैं, अपने जो किंगडम है उस किंगडम में क्या है, ब्लाइंड पीपल हैं, मोर मतलब अधिक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पढ़ रहे थे, आई थिंक दैट देर इज अ फॉल्ट इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में मुझे कोई कमी दिख रही है, देर आर मोर ब्लाइंड पीपल इसमें इन द किंगडम देन इट इज लिस्टेड, इस लिस्ट में से ज़्यादा जो है ब्लाइंड पीपल हमारे राज्य में हैं। इन फैक्ट देर आर मोर ब्लाइंड, जो क्या है, इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पीपल देन नॉर्मल साइटेड पीपल, ठीक है। तो अकबर बीरबल कहते हैं कि इनफैक्ट देर आर मोर ब्लाइंड, बहुत अधिक पीपल जो हैं वो क्या हैं, ब्लाइंड हैं, देन नॉर्मल साइटेड, नॉर्मल साइटेड पीपल का मतलब होता है जिनकी आंखें सही होती हैं, जो देखने लायक होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉर्मल साइटेड पीपल, ठीक है। द एम्परर बाज टेक इन अबैक, द एम्परर मतलब महाराज जो थे, बाज मतलब थे, टेक इन अबैक, मतलब एकदम आश्चर्य, अचंभे रह गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, बाय द बीरबल्स, बीरबल्स ने जो क्लेम का मतलब, जो उन्होंने मुद्दा उठाया था यहाँ पर, क्लेम किया था कि इस लिस्ट में क्या है, कमी है, ये सुनकर जो एम्परर थे वो एकदम से अबैक हो गए, एकदम से चौक से गए। अकबर, अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, हिम टू प्रोब,
आप इसको प्रूव करने के लिए कहा हिज पॉइंट एंड मेक अ न्यू लिस्ट, और उन्होंने नई लिस्ट को बनाने के लिए कहा। ठीक है, तो ये भी एक ही पार्ट है, कल की क्लास में दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो कुछ समझ में आया हिंदी को किस तरीके से इसको हम क्या है ट्रांसलेट करते हैं? ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, द एम्परर ऑफ द आगरा वाज द फेमस नॉट ओनली फॉर द बेबी बट ऑल्सो फॉर द जेनरोसिटी। तो जब एम्परर है, आगरा के एम्परर है, वो केवल अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो अपनी जेनरोसिटी मतलब दयालुता के काम क्या है प्रसिद्ध है। वंस ही डिसाइड, एक बार उन्होंने डिसाइड किया था टू डोनेट सम मनी अमंग ऑल द ब्लाइंड पीपल लिविंग इन हिज किंगडम। एक बार उन्होंने डिसाइड किया था कि अपने जितने भी किंगडम है, उनका साम्राज्य है, साम्राज्य में जितने भी ब्लाइंड पीपल हैं उन सभी को कुछ मनी देने का उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया। सिंस ही डिडंट वांट एनीबॉडी टू मेक टू बी लिफ्ट लिफ्ट आल्सो ही ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज कोर्टियर्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ब्लाइंड पीपल। सिंस ही वे नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो छूट जाए, सो ही ऑर्डर फिर उन्होंने ऑर्डर दिया था वन ऑफ हिज कोर्टियर अपने कोर्टियर में से एक व्यक्ति को टू मेक अ लिफ्ट लिस्ट बनाने के लिए ऑफ द ब्लाइंड पीपल, अंधे व्यक्तियों को लिस्ट बनाने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था। एंड द लिस्ट वाज इन द एंड टू बी चेक्ड बाय बीरबल। तो जब लिस्ट एंड हो जाएगी, पूरी लिस्ट बन जाएगी, तो किसके द्वारा चेक की जाएगी? बीरबल के द्वारा क्या है उसको चेक किया जाएगा। द कोर्टियर फिनिश्ड, कोर्टियर जो दरबारी था उसने फिनिश कर दी मेकिंग अ लिस्ट इन द टू डेज, लिस्ट को बनाकर उसने दो दिन में उस लिस्ट को बनाकर फिनिश कर दिया। देन ही हैंडेड इट ओवर टू बीरबल, और उसने बीरबल के हाथों में हैंड ओवर कर दी। एंड अकबर आस्क्ड हिम टू मेक अरेंजमेंट, और अकबर ने पूछा टू मेक अरेंजमेंट बना अरेंजमेंट फॉर द डोनेशन, डोनेशन का किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाए उसके बारे में अकबर ने पूछा। बिफोर एनी अरेंजमेंट कुड बी मेड बीरबल सैड, बिना किसी अरेंजमेंट से पहले बीरबल ने कहा योर मजेस्टी महाराज आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ दैट देयर इज अ फॉल्ट, इसमें क्या है कुछ कमी है इन द लिस्ट, इस लिस्ट में क्या है कुछ कमी है। देयर आर मोर ब्लाइंड पीपल, बहुत अधिक क्या है लोग क्या है अंधे हैं इन द किंगडम देन इट द लिस्टेड, इस लिस्ट में जो पीपल लिखे गए हैं इससे ज़्यादा हमारे राज्य में क्या है अंधे लोग हैं। इन फैक्ट देयर आर मोर ब्लाइंड पीपल देन नॉर्मल साइटेड पीपल, इनफैक्ट यहाँ तक कि, इनफैक्ट का मतलब होता है यहाँ तक कि मोर ब्लाइंड, बहुत ज़्यादा पीपल क्या है अंधे हैं, जिनकी आंखें हैं उनसे भी ज़्यादा लोग क्या है हमारे साम्राज्य में, साम्राज्य में अंधे हैं। द एम्परर वाज टेकन अबैक, जो एम्परर महाराजा हैं वो एकदम से चौंक गए, अचंभित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, बाय द बीरबल्स क्लेम, जो बीरबल के द्वारा क्लेम किया गया था ये सुनकर एम्परर वाज टेकन अबैक। क्लेम अकबर आज, अकबर ने पूछा या कहा हिम टू प्रोब इट हिज पॉइंट, और इस पॉइंट को जब बीरबल ने कहा कि इसमें क्या है लिस्ट में क्या है फॉल्ट है, उसको प्रूव करने के लिए अकबर ने कहा एंड मेक अ न्यू लिस्ट, और नई लिस्ट बनाने के लिए क्या कहा। तो ये स्टोरी रही, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसके जितने भी न्यू वर्ड मीनिंग है उस पर एक फाइल से क्या करो लिख लीजिए, ठीक है, नोट करो। पढ़ ले नहीं पढ़ा, किस किस से नहीं पढ़ा।